हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल और सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट गिव राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में आके पेयर करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं जो 23 पेयर्स में रहते हैं, और ये 23 पेयर्स जो हैं दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम का पेयर है, दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है। तो एक क्रोमोसोम का पेयर और दूसरे क्रोमोसोम के पेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटिड्स हैं दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इससे हमारे पास एलील्स के न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड क्रॉस ओवर्स और रिकॉम्बिनेंट्स। जब एक्सचेंज हो जाता है उनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सेगमेंट्स का, देन दे आर कॉल्ड क्रॉस ओवर्स और रिकॉम्बिनेंट्स। वेयर एज द क्रोमेटिड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड नॉन क्रॉस ओवर्स और पेरेंटल टाइप। तो इसमें हम देखेंगे, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। एक क्रोमोसोम हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल ए बी सी डी से, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल ए बी सी डी से। तो यहाँ पे इनका ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ये एग शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्यास्मा कहते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब इनका ये वाले जो दो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे ये वाले जो दोनों हैं एक पेयर के, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, दीज टू आर ऑल्सो सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट वन क्रोमोसोम फ्रॉम दिस पेयर एंड वन क्रोमोसोम फ्रॉम दिस पेयर दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, एंड आफ्टर द एक्सचेंज दीज टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दे आर नोन एज क्रॉस ओवर्स और रिकॉम्बिनेंट्स। वेयर एज these two non-sister chromatids they represent the parental types or they are known as non-crossovers. Now what is recombination? Recombination is the new combination of genes that is different from those of parents. अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास parents हैं दोनों, लेकिन जो हमारे पास recombinants बने हैं उनमें एक में क्या हो गया है, पहले यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी था, लेकिन अब जो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बना है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ये हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस बने हैं। सो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड द प्रोसेस इज रिकॉम्बिनेशन बाई विच न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड। दिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देन क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो द प्रोडक्ट दैट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट। और इस वीडियो में हम खासकर बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहला फीचर क्या है क्रॉसिंग ओवर का, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज एंड ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज। हम सबको पता है मियोसिस दो डिविजन्स में होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन प्रोफेज वन जो है उसकी जो पैकेटिंग स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड एट दिस टाइम ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैज़ फोर क्रोमेटिड्स। सेकंड फीचर इज
क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे भी हमने पीछे भी बात करी थी, दैट इज वन क्रोमेटिड फ्रॉम ईच ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट फोर स्टैंडर्ड स्टेज. तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है? जब क्रोमोसोम जो हैं वो फोर स्टैंडर्ड स्टेज पे होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज ईच क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स ओनली टू ऑफ द फोर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर में चार क्रोमेटिड्स में से सिर्फ दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो ही इन्वॉल्व होते हैं. हाउएवर डबल और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर मे इन्वॉल्व ऑल द फोर, थ्री और टू ऑफ द फोर क्रोमेटिड्स विच इज़ वेरी रेयर. हमारे पास डबल या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के केसेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास चारों, तीनों या दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर जो है दैट इज़ वेरी रेयर. नेक्स्ट फीचर इज क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक जीन्स. लिंक जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं एंड इट जनरली ईल्ड्स टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स और क्रॉस ओवर टाइप्स एंड टू पेरेंटल और नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स. तो इसके बाद हमारे पास ये दो न्यू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनते हैं और ये दो जो हैं न्यू पेरेंटल, सॉरी ये दो जो हैं ये पेरेंटल टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट फीचर कहता है क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ इक्वल सेगमेंट्स और जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल. तो क्रॉसिंग ओवर में हमेशा इक्वल सेगमेंट्स या इक्वल जीन्स का ही एक्सचेंज होता है एंड रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, बट अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड. देन वैल्यू ऑफ क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट्स मे वेरी फ्रॉम 0 to 50%. जो क्रॉस ओवर के या फिर रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास जो न्यू कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं हमारे पास उनकी वैल्यू जो है 0 to 50% तक हो सकती है. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी. हमारे पास कितने रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे उसको हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी से वर्कआउट कर सकते हैं. और इसको हम कैसे निकालते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज रेशियो ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स टू द टोटल पॉपुलेशन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ओवर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इससे हमें पता लग जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की रेट कितनी है और कितने रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास बने हैं. अब हम पढ़ेंगे कियाज़मा एंड क्रॉसिंग ओवर को. तो अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो पॉइंट्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कियाज़मा. द पॉइंट वेयर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन इज कॉल्ड कियाज़मा. तो वो वाले पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि ये हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर क्या करता है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है ये और ये इस तरह से. तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कियाज़मा. वेयर एंड इट इज़ द प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. ये वो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे जीन्स आर एक्सचेंज्ड. कियाज़मा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जेंसन्स इन 1909 एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन कियाज़मा इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल एंड इंटरस्टिशियल. वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है कियाज़मा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? पहला आता है हमारे पास टर्मिनल कियाज़मा. व्हेन कियाज़मा इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पेयरिंग क्रोमेटिड्स, जब जो हमारे पेयरिंग क्रोमेटिड्स हैं जब उनके एंड पे प्रेजेंट रहता है, ये जब उनके यहाँ एंड पे प्रेजेंट है, यहाँ जैसे लास्ट जैसे में प्रेजेंट होता है, देन दैट इज़ नोन एज टर्मिनल कियाज़मा. और इंटरस्टिशियल कियाज़मा व्हेन कियाज़मा इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जब उनके मिडल में प्रेजेंट होता है. लेकिन बाद में दिस इंटरस्टिशियल कियाज़मा इज चेंज टू टर्मिनल पोजिशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन.
बाद में इंटरस्टिशियल क्यास्मा जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है एक प्रोसेस से, जिसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये टर्मिनलाइजेशन क्या होती है वो देखते हैं हम, जरा उसको डिस्कस करते हैं। द मूवमेंट ऑफ क्यास्मा अवे फ्रॉम द सेंट्रोमेयर एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टेट्रार्ड्स इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। टेट्रार्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेट्रार्ड हमारे पास ये है जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे पेयर कर रहे हैं, दिस स्टेज इज नोन एज टेट्रार्ड। तो जब यहाँ पे अगर यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है क्यास्मा, जब ये यहाँ से इस तरफ टेट्रार्ड्स के एंड की तरफ मूव करना शुरू करता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन एंड एज ए रिजल्ट ट्विस्टेड क्रोमेटिड सेपरेट एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड कम्प्लीटली। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास, मान लो अगर ये हमारे पास नया वो कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास इस तरीके से ये दो रिकॉम्बिनेंट्स आ जाएंगे और ये हमारे पास पेरेंटल टाइप्स आ जाएंगे दोनों। तो इस तरीके से ये क्यास्मा जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेट्रार्ड एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड कम्प्लीटली। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स। तो क्रॉसिंग ओवर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्यास्मेटा फॉर्म्ड, जब एक सिंगल होता है तो हम बोलते हैं क्यास्मा और जब एक से ज़्यादा बनते हैं तो हम कहते हैं क्यास्मेटा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्यास्मेटा फॉर्म्ड क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जैसे अभी हमने पहले पढ़ी है, इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल क्यास्मा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड इट प्रोड्यूसेस टू रिकॉम्बिनेंट्स एंड टू पेरेंटल टाइप्स। यहाँ पे एक हमारे पास सिंगल क्यास्मा बन रहा है और दो पेरेंटल टाइप्स बन रहे हैं, दो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। सेकेंड आती है डबल क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एट टू प्लेसेस सो दैट टू क्यास्मेटा आर फॉर्म्ड इज नोन एज डबल क्रॉसिंग ओवर एंड इट मे इन्वॉल्व टू थ्री और ऑल द फोर स्ट्रैंड्स। इसमें दो स्ट्रैंड्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या चारों के चारों स्ट्रैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये है, ये इनके बीच में पेयरिंग हो रही है, तो हमारे पास दो पेरेंटल टाइप्स हैं, दो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। और इस टाइप में हमारे पास तीन क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक पेरेंटल टाइप बन रहा है एंड द अदर थ्री क्रोमेटिड्स दे आर टेकिंग पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर। देन कम्स मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू क्रॉस ओवर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज ऑफ रेयर अक्रेंस। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है वो बहुत ही रेयर है। नाउ लास्ट में अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हमारी कब होगी, जब लिंकेज वीक हो जाएगी। देयरफोर ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट लिंकेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्रॉसिंग ओवर, दो इन रिवर्स। वो सारे फैक्टर्स जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं, वही सारे फैक्टर्स क्रॉसिंग ओवर को भी अफेक्ट करेंगे, सिर्फ उनका इफेक्ट जो है वो रिवर्स्ड होगा। तो सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्टेंस। सो ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स हायर इज़ द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर होगी। सेकेंड है टेम्परेचर, ड्रास्टिक चेंजेस इन टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट फैक्टर है एज। सो देयर इज डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विद इंक्रीज इन एज। देन एक्सरेज, दे वीकन लिंकेज और नेचुरली जब लिंकेज वीक हो जाएगी सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल इंक्रीज। देन केमिकल्स, मोस्ट म्यूटेजेंस अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर इन वेरी डाइल्यूट कंसेंट्रेशंस। देन हमारे पास डाइवेलेंट आयंस भी हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड अदर मेटलिक आयंस ऑल्सो अफेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देन सेक्स विद हीट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स हैव लेसर नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर्स। तो हीट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम जिनमें भी अलग दो अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, उनमें लेसर नंबर ऑफ क्रॉस ओवर्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल
मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में जो है लिंकेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉसिंग ओवर. नाउ कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर क्या करती है, इट प्रोवाइड्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. देन इट हेल्प्स इन लोकेटिंग जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स एंड देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग लिंकेज मैप्स और क्रोमोसोम मैप्स. किस फ्रिक्वेंसी, सॉरी क्रॉसिंग ओवर की क्या फ्रिक्वेंसी है उससे हम लिंकेज मैप्स को या क्रोमोसोम मैप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नए वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए.